गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास एट हिंदी। हिंदी में आज हम फिफ्थ चैप्टर रीड करेंगे, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। हम इसमें पहला गद्यांश पढ़ते हैं, पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीबे। अजीबो गरीब का अर्थ होता है विचित्र और आश्चर्यजनक, और दुनिया का अर्थ होता है संसार, देश। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम, आधुनिकतम का अर्थ होता है सबसे नए साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला, सिलसिला का अर्थ होता है क्रम, शुरू करते हैं। और राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम, तमाम का अर्थ होता है बहुत से, विवाद, विवाद का अर्थ होता है भिन्न भिन्न मत। और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं, जड़ का अर्थ होता है कारण। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, केंद्रित का अर्थ होता है एक बिंदु पर आधारित होना। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है, अनूठी का अर्थ होता है अनोखी, भूमिका का अर्थ होता है योगदान। तो हम संदर्भ और प्रसंग में ये देखेंगे कि किस पाठ से और इसके लेखक कौन है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से लिया गया है। इसके लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं। इस अंश में लेखक ने बताया कि फोन और एसएमएस आदि पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। मानव सभ्यता के विकास में भी पत्रों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, मतलब जो हमारे मानव सभ्यता का विकास हुआ है इसमें पत्रों का बहुत बड़ा हाथ हुआ रहा है। लेखक कहता है हमारे सामाजिक जीवन में एक अनूठी अनोखी वस्तु रहा है। आज भी पत्र अपनी उपयोगिता बनाए हुए हैं। आज समाचार भेजने के लिए अनेक चमत्कारी साधन आ गए हैं, फिर भी ये साधन पत्रों का स्थान नहीं ले सकते हैं। आज टेलीफोन और मोबाइल फोन है जिससे हम किसी व्यक्ति से सीधी बात करके उसके हालचाल जान सकते हैं, लेकिन एसएमएस से भेजे जाने वाले संदेश पत्र या स्थान नहीं ले सकते। पत्र हमारे जीवन के नए नए विचारों को सामने लाते हैं। राजनीति, साहित्य, कला आदि के क्षेत्रों में तरह तरह के नए विचार और घटनाएं सामने आती है। संसार भर में रचा गया साहित्य भी पत्रों को सामने रखकर चला है। यदि हम संसार में मानव सभ्यता के विकास पर दृष्टि डालेंगे तो पता चलेगा इन पत्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मतलब मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। उनका स्थान फोन, एसएमएस वगैरह भी नहीं ले सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करते हैं। ये इसी गद्यांश में से प्रश्न बने हैं और हमको आंसर भी इसी गद्यांश में से देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्रों की दुनिया को अजीबो गरीब क्यों कहा गया है। इसका आंसर है, हमेशा से ही किसी न किसी रूप में उपयोगी बने रहने के कारण पत्रों की दुनिया को अजीबो गरीब कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन, आधुनिक संचार के साधन क्या नहीं कर सकते। इसका आंसर है, आधुनिक संचार के साधन लोगों को पत्रों से मिलने वाला संतोष नहीं प्रदान कर सकते और न ही उन्हें सहज कर रखा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन, दुनिया का तमाम साहित्य किस पर केंद्रित है। इसका आंसर है, दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही निर्भर है। फोर्थ क्वेश्चन, पत्रों ने किसके विकास में अपनी भूमिका निभाई है। इसका आंसर है, पत्रों ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम सेकंड गद्यांश रीड करते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कंडिन कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, सहज कर यानी एकत्र करके। इसमें कोई संदेह नहीं, हर एक की अपनी पत्र लेखन यानी होता है चिट्ठी कला है। हर एक के पत्रों का अपना दायरा, दायरा का अर्थ होता है क्षेत्र सीमा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते का अर्थ है खोजते हुए, तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत का अर्थ होता है महत्व। इसकी व्याख्या हम रीड करेंगे। पत्रों को विभिन्न भाषाओं में हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कंडित। परंतु सभी जगह पत्रों का भाव एक समान रहता है। पत्रों की एक विशेषता यह है कि इसमें लोगों की महत्वपूर्ण और प्रिय यादें सुरक्षित रहती है। इस बात को स्वीकार करते हैं कि हर पत्र लिखने वाले की अपनी अपनी खूबी होती है और हर पत्र लेखक के पत्रों के विषय अलग अलग हुआ करते हैं। आज भी सारे संसार में करोड़ों लोग पत्र लिखते हैं। यह पत्र भेजे जाने के स्थानों को खोजते हुए सही
तो पर पहुंचाए जाते हैं। हमारे देश में भी लगभग 4.5 करोड़ पत्रों को डाक द्वारा भेजा जाता है। उससे यह सिद्ध होता है कि आज भी पत्रों का कितना महत्व है। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक है पत्र एक नाम अनेक। सेकंड क्वेश्चन है पत्र को उर्दू और कन्नड़ में क्या कहा जाता है। इसका आंसर है पत्र को उर्दू में खत और कन्नड़ में कागज कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन तेलुगु और तमिल में पत्रों को क्या कहा जाता है। तेलुगु में पत्र को उत्तरम जाबोर लेख तथा तमिल में कंडित कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन भारत में प्रतिवर्ष कितने पत्रों को डाक द्वारा भेजा जाता है। डाक द्वारा प्रतिवर्ष 4.5 करोड़ पत्र भेजे जाते हैं। अब हम थर्ड गद्यांश पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हर कार्य या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। हर कार्य का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो पहले के समय में पैदल चलकर संदेश पहुंचाते थे। ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन के बारे में बता रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि सन 1953 में नेहरू जी ने संवाद भेजने के साधनों में हुए बदलाव के बारे में कहा था कि संसार में सूचनाओं के आदान प्रदान के साधन हजारों वर्षों तक डाक ले जाने वाले हर कार्य का अर्थ होता है डाकिए या तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े हुआ करते थे। उसके बाद वाहनों से डाक भेजी जाती। यूरोप में रेलगाड़ी और तार के आविष्कार से सूचनाएं भेजने में बहुत कम समय लगने लगा। तार ने भी रेलों को भी समाचार भेजने की तेज गति में पीछे छोड़ दिया। इसके बाद टेलीफोन वायरलेस का प्रयोग होने लगा। आगे चलकर रेडार एक यंत्र होता है जिसका प्रयोग वायु संचालन में होता है भी इस दौर में शामिल हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पाठ व लेखक का नाम लिखिए। पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, लेखक है अरविंद कुमार सिंह। सेकंड है हर कार्य किन्हें कहते हैं, वे क्या कार्य किया करते थे। इसका आंसर है संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेज गति से दौड़कर पहुंचाने वाले व्यक्ति को हर कार्य कहा जाता था। वे राजाओं महाराजाओं के संदेश दूसरे स्थानों तक पहुंचाने का काम करते थे। थर्ड क्वेश्चन समाचार भेजने में भारी बदलाव किससे आया। इसका आंसर है समाचार भेजने के साधनों में भारी बदलाव रेलवे और तार से आया। फोर्थ क्वेश्चन पंडित नेहरू ने सन 1953 में किस विषय में सही कहा था। उनके अनुसार कौन दुनिया बदल देगा। पंडित नेहरू ने सन 1953 में संचार के साधनों के विषय में सही कहा था। उनके अनुसार आगे आने वाले समय में टेलीफोन वायरलेस और रेडार दुनिया बदल देंगे जो वर्तमान में सत्य सिद्ध हो रहा है। अब हम फोर्थ गद्यांश रीड करेंगे। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए एक विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जैसा हमारे स्कूल पाठ्यक्रम में पत्र लेखन की भी अपने यहाँ पे प्रतियोगिता होती है। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया। जैसा हमारे यहाँ भी स्कूलों में पत्र लेखन प्रतियोगिता निबंध प्रतियोगिता होती है। लेखक कहता है कि पिछली सदी में भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षक रूपों में पत्र लिखे जाने लगे। पत्र लेखन एक कला की तरह नए नए रूपों में प्रस्तुत हुआ। डाक भेजने के ढंग में अनेक सुधार हुए। इनके साथ ही पत्रों के लेखकों ने पत्रों के विकास को सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया। पत्र लेखन को समाज में लोकप्रिय बनाने के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को भी एक विषय के रूप में स्थान दिया गया। ऐसा केवल भारत में ही नहीं हुआ बल्कि संसार के अनेक देशों में पत्र लेखन को इसी प्रकार पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान मिला। विश्व डाक संघ नाम की संस्था ने भी पत्र लेखन को छात्रों में लोकप्रिय बनाने के लिए पत्र लिखने की प्रतियोगिता आरंभ की। इन सभी प्रयत्नों से समाज में पत्र लिखे जाने का काफी प्रचार हुआ। अब हम इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पत्र लेखन ने कला का रूप कब लिया। इसका आंसर है पत्र लेखन ने पिछली शताब्दी में कला का रूप लिया। सेकंड क्वेश्चन पत्र संस्कृति के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। इसका आंसर है पत्र लेखन की संस्कृति को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को पत्र लेखन की कला से परिचित कराने के उद्देश्य से पत्र लेखन को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। थर्ड क्वेश्चन पत्र लेखन को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य है। इसका आंसर है पत्र संस्कृति के विकास के लिए उन्हें स्कूली
पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन, विश्व डाक संघ ने पत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किए? इसका आंसर है, साथ ही विश्व डाक संघ ने संघ 1972 से 16 वर्ष तक वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। अब हमने इसका फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया है, इसी चैप्टर का हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।